नमस्कार। जबलपुर संभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं वीणा मिश्रा, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय बालाघाट से कक्षा 12वीं की अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक से पाठ 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके प्रश्नोत्तर लेके प्रस्तुत हूँ। और मेरा पूरा प्रयास है कि इस पाठ से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर बनाए हैं और उनके उत्तर भी उसके साथ हैं। और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि अभी पहली परीक्षा होने वाली है UT1, तो इसमें आप इसकी सहायता ले सकते हैं। तो प्रमुख जनसंचार माध्यम, इससे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? तो उत्तर है प्रिंट माध्यम, TV, रेडियो, इंटरनेट। दूसरा प्रश्न है, सभी माध्यमों के समाचार लेखन में मुख्य अंतर क्या रहता है? तो जैसा पाठ का ही नाम है कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, तो रेडियो के लिए या टीवी के लिए या अखबार के लिए जब समाचार लेखन होता है तो उसमें मुख्य अंतर क्या होता है? तो उसमें मुख्य अंतर है लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति का अंतर। अब प्रिंट माध्यम से जो प्रमुख प्रश्न है, पहला है, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट माध्यम। दूसरा प्रश्न, आधुनिक युग की शुरुआत किस आविष्कार से हुई? तो उत्तर है छपाई। जी हाँ, छपाई के साथ ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी प्रिंट माध्यम से ही। तीसरा प्रश्न है, मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर है चीन। चौथा प्रश्न, छापे खाने का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? उत्तर है जर्मनी के गुटेनबर्ग को। पांचवा प्रश्न, भारत का पहला छापाखाना कब और कहां खुला? उत्तर है 1556 अर्थात 1556 में गोवा में खुला था। छठा प्रश्न, इस छापे खाने को किसने और क्यों खोला था? उत्तर है मिशनरियों ने, धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए। मिशनरी अर्थात जो ईसाई धर्म का प्रचारक होते हैं, उन लोगों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए इस छापे खाने को खोला था। सातवां प्रश्न, मुद्रित माध्यमों में क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आते हैं अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें। आठवां प्रश्न प्रिंट माध्यम से, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसकी पहली विशेषता है स्थायित्व, अर्थात ये लंबे समय तक इसको हम रख सकते हैं संजोकर, व लिखित भाषा का इसमें विस्तार होता है। दूसरा है चिंतन व विचार विश्लेषण का माध्यम, अखबार को पढ़कर या पुस्तकों को पढ़कर हम चिंतन कर सकते हैं और विचार विश्लेषण कर सकते हैं। नवा प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों की कमजोरी क्या है? उत्तर है यह निरक्षरों के काम का नहीं है, क्योंकि इसे पढ़ना पड़ता है, इसलिए यह जिनके अक्षर ज्ञान है उन्हीं के काम का होता है। प्रश्न दसवा, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें कौन सी हैं? अर्थात अखबार या पुस्तकों के लिए यदि लेखन करना हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का, वर्तनी अर्थात स्पेलिंग। दूसरा, समय सीमा, जितनी समय सीमा आपको दी है उसके अंतर्गत ही लिखिए। और आवंटित जगह, जितनी जगह आपको प्रदान की जा रही है शब्द सीमा उसके अंतर्गत ही लिखिए। अशुद्धियों को सुधारना, प्रकाशन के पूर्व लिखित भाषा में जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको सुधारना आवश्यक होता है। चौथा, सहज प्रवाह, अर्थात उसमें तारतम्यता होना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है रेडियो से, रेडियो दूसरा संचार का माध्यम है, रेडियो कैसा माध्यम है या किससे संचालित माना जाता है? तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, वह ये श्रोताओं से संचालित है, श्रोता मतलब सुनने वाले। दूसरा प्रश्न, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित है? तो इसका उत्तर है उल्टा पिरामिड शैली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली। तीसरा प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली के तीन हिस्से कौन से हैं? तो इसके तीन हिस्से हैं, पहला इंट्रो, जिसमें खबर को विस्तार से बताया जाता है, बॉडी, और फिर समापन, जिसमें खबर को कम शब्दों में खत्म किया जाता है। चौथा प्रश्न है, रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें कौन सी हैं?
रेडियो समाचार जब लिखा जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी में लिखा जाए। दूसरा है डेडलाइन, डेडलाइन का ध्यान रखा जाए, संदर्भ अर्थात रेफरेंस जो लिए गए हैं उन पर ध्यान दिया जाए, साथ ही संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग कम से कम हो। ऐसे संक्षिप्त अक्षर जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं या जिन्हें जिनसे श्रोता परिचित नहीं है, ऐसे संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आता है टेलीविज़न, तीसरा संचार माध्यम। इसके अंतर्गत प्रश्न पहला है, टेलीविज़न कैसा माध्यम है? उत्तर है, यह दृश्य और श्रव्य माध्यम है, अर्थात इसमें दृश्य भी होते हैं और सुनाई भी देता है। दूसरा प्रश्न, टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त क्या है? तो इसकी बुनियादी शर्त है दृश्य के साथ लेखन, अर्थात जब भी समाचार लिखे जाएं तो जो दृश्य दिखाने हैं उसी के साथ लेखन जुड़ा हुआ हो। तीसरा, टीवी खबरों के कितने चरण हैं? उत्तर है, 7। और चौथा प्रश्न, जो इन्हीं 7 चरणों से संबंधित है, खबर जब कम से कम शब्दों में महज सूचना के रूप में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ये आप अक्सर समाचारों में देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। इसके अंतर्गत कम से कम शब्दों में खबर को पहुंचाया जाता है। तो ये टीवी खबर का पहला चरण है। अब अगले 6 प्रश्नों में आप 7 चरणों को देख लेंगे। पाँचवा प्रश्न है, जब एंकर बिना दृश्यों के रिपोर्टर से मिली जानकारियों को दर्शकों तक पहुँचाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थात जब समाचार वाचक दृश्य नहीं मिलते हैं तो केवल रिपोर्टर से मिली जानकारी को ही देता है, उसे कहते हैं ड्राई एंकर। छठवां प्रश्न है, जब एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात कर मिली सूचनाओं को विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाता है तो उसे क्या कहते हैं? अब फ़ोन पर जब रिपोर्टर से सूचनाएं मिल जाती हैं तो खबर विस्तार से दर्शकों तक पहुँचाई जाती है, तो चूँकि फ़ोन से सूचना मिली है इसलिए इसे फ़ोन इन कहते हैं, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब एंकर सूचनाओं के साथ दृश्य भी दर्शकों तक पहुंचाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंकर विजुअल, विजुअल अर्थात दृश्य। आप याद रखने के लिए आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। प्रश्न आठवां, टीवी की किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए घटना की सूचना दृश्य के साथ प्रत्यक्षदर्शियों व संबंधित व्यक्तियों के कथन भी दिखाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंकर बाइट, बाइट का अर्थ होता है कथन। तो जब हमको खबर को मजबूत करना हो, प्रमाणित करना हो, पुष्ट करना अर्थात प्रमाणित करना हो, तो हम उससे जुड़े लोगों को भी उसमें दिखाते हैं और उनके कथन को भी दिखाया जाता है। नवा प्रश्न है, मौजूदा रिपोर्टर कैमरा वैन व ओबी वैन के जरिए खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? इसे कहते हैं लाइव। आप अक्सर टीवी पे देखते होंगे लाइव प्रसारण लिखा रहता है, तो वहाँ पे रिपोर्टर कैमरा मैन ओबी वैन सभी मौजूद रहते हैं और सभी इसका लाइव प्रसारण करते हैं। दसवा प्रश्न है, किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो आपने ऊपर जो 6 चरण देखे, उन 6 चरणों के साथ जब खबर प्रस्तुत की जाती है तो उसको कहते हैं एंकर पैकेज। 11वां प्रश्न है, वे प्राकृतिक आवाज़ें जो दृश्य के साथ खुद ब खुद चली आती हैं, जैसे चिड़ियों, कारखाने, गाड़ियों की आवाज़, उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, उन्हें कहते हैं नेट साउंड, क्योंकि जब भी किसी दृश्य को रिकॉर्ड करते हैं समाचारों में तो उसके आसपास की आवाज़ें अपने आप उसमें आ जाती हैं, वो कहलाता है नेट साउंड। 12वां प्रश्न है, एंकर की आवाज़ को क्या कहते हैं? एंकर की आवाज़, जो एंकर समाचार वाचक होता है, उसे कहते हैं वॉइस ओवर। 13वां प्रश्न है, एक रेखीय अर्थात लीनियर माध्यम कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत है रेडियो और टेलीविज़न, ये दोनों एक रेखीय और लीनियर माध्यम हैं। अब आते हैं इंटरनेट, जो 5वां माध्यम है जनसंचार का। इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम क्या क्या हैं? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, ये इसके अन्य नाम हैं। इंटरनेट पत्रकारिता कितने रूपों में होती है? तो उत्तर है, 2 रूपों में। पहला है समाचार संप्रेषण के रूप में नेट का प्रयोग करना, दूसरा रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने, अन्यत्र मतलब कहीं और, व समाचार को संकलित करने तथा उसकी सत्यता विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करता है। तीसरा प्रश्न है, आज इंटरनेट के जरिए कितने शब्द लगभग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं? तो उत्तर है 56 किलोबाइट, यानी लगभग 70,000 शब्द।
चौथा प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो ये परिभाषा है इंटरनेट पत्रकारिता की, इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। पांचवा प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो विश्व स्तर पर इसके इसके विकास को निम्न चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है 1982 से 92, अर्थात 1982 से 1992। द्वितीय चरण है 1993 से 2001 तक। और तीसरा चरण है 2002 से अब तक। तो ये तीसरा चरण चल रहा है विश्व स्तर पर। अब आते हैं भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी कौन सा दौर चल रहा है? तो अभी दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1993 से और दूसरा दौर शुरू हुआ 2003, अर्थात 2003 से। दूसरा प्रश्न है, आज पत्रकारिता की दृष्टि से बेहतर साइटें कौन सी हैं? ये भारत की बात हो रही है, ध्यान रखिए। तो बेहतर साइटें हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक। कौन सी साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं? उत्तर है इंडिया टुडे। चौथा प्रश्न है, नियमित अपडेट होने वाली साइटें कौन सी हैं? तो इसके अंतर्गत आती हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, NDTV, जी न्यूज़ और आज तक। इसी का पांचवा प्रश्न है, भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता करने वाली साइटें कौन सी हैं? तो पहली है rediff.com, दूसरी इंडिया इंफोलाइन व सीफी। भारत की पहली साइट किसे कहा जाता है, कौन सी है पहली साइट? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, rediff। और वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय किसे जाता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है tahalka.com। तो छठा और सातवां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हिंदी में नेट पत्रकारिता, अब हिंदी में नेट पत्रकारिता ध्यान रखिए, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई, पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न का उत्तर है वेब दुनिया के साथ, यह हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ नेट पर ही उपलब्ध है? उत्तर है प्रभा साक्षी, ये केवल नेट पर मिलेगा, प्रिंट रूप में नहीं मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? उत्तर है BBC। चौथा प्रश्न है, कौन सी पत्रिकाएं हिंदी वेब जगत में भी अच्छा काम कर रही हैं? उत्तर है अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि साहित्यिक पत्रिकाएं। पांचवा प्रश्न, हिंदी वेब जगत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदी वेब जगत की सबसे बड़ी समस्या है मानक कीबोर्ड तथा फ़ॉन्ट की कमी, क्योंकि डायनामिक फ़ॉन्ट के अभाव के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें नहीं खुलती हैं। छठा प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया से कौन से फ़ॉन्ट बनाए हैं? माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने कौन से फ़ॉन्ट बनाए हैं हिंदी के लिए? तो ये है यूनिकोड। इसे यूनिकोड में हम टाइप करते हैं, आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं ये भी यूनिकोड में लिखा हुआ है। इसमें हम अंग्रेज़ी में टाइप करते हैं और हिंदी में प्रिंट होके आता है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद है आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होंगे। धन्यवाद।